Hello students, let's start with a new concept of database, and these concepts we are going to study by using LibreOffice Base. Last year we have studied about LibreOffice Pack, and there we have started with the concept of Word. This year we are going to study about database concept. Now moving ahead with the concept of DBMS. ये concept हमने last year पढ़ा था, इसलिए मैं ये concept को फिर से एक बार repeat करती हूँ. Now, if you want to know about DBMS, what is DBMS? चलो इसे मैं bifurcate कर लेती हूँ. Bifurcate करने के बाद में हमें क्या मिल रहा है? D stands for data, B for base, M for management, and S is for system. Now, अगर मैं इसे combine पढ़ना चाहती हूँ, तो it is database management system. Now, अगर इसका definition हमें जानना है, तो पहले एक टर्मिनोलॉजी समझ में लेते हैं कि वन बाय वन इसके मीनिंग क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा? सबसे पहले अगर मुझे कंसेप्ट ऑफ डेटा ये पढ़ना है, सो डेटा इज व्हाट? डेटा इज अनप्रोसेस्ड फॉर्म. नाउ ये अनप्रोसेस्ड फॉर्म का मीनिंग क्या होगा? ऐसी चीज जिसे प्रोसेस नहीं किया है वो बन जाएगा अनप्रोसेस्ड फॉर्म. अब इसका एग्जाम्पल अगर मुझे लेना है, तो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ गोपाल, या फिर अगर आप एक एग्जाम्पल लेते हो गंगा, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि गोपाल ये कोई बॉय का नेम भी हो सकता है, कोई कंपनी का नेम भी हो सकता है, या फिर और कुछ हो सकता है. सिमिलरली गंगा मे बी द नेम ऑफ रिवर हो सकता है, मे बी द नेम ऑफ एनीथिंग एल्स, बट इससे हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है. सो उसके लिए डेटा जब अनप्रोसेस्ड फॉर्म में है, तो उसे प्रोसेस फॉर्म में लाने का काम विल बी डन बाय इंफॉर्मेशन. सो इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा. ओके, अब ये जो प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा है, तो उसका एग्जांपल क्या बनेगा? तो क्या एग्जांपल है? गोपाल इज द नेम ऑफ बॉय. आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो गोपाल इज अ नेम ऑफ बॉय. ये यहाँ पे हमें प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा मिल रहा है. पहले अनप्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा क्या था? ओनली गोपाल. अभी प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा क्या है? प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा को हम लोग क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन. और बॉय का नाम यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है इज गोपाल. सो गोपाल इज अ नेम ऑफ बॉय. दिस इज द इंफॉर्मेशन विच वी आर गेटिंग इन टू द फॉर्म ऑफ प्रोसेस फॉर्म. सो डेटा इज अनप्रोसेस फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस फॉर्म. इसको एक दूसरा नाम भी हम लोग बोल सकते हैं, दिस इज रॉ मटेरियल एंड दिस इज प्रोसेस्ड मटेरियल. ओके, सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस वी हैव स्टडीड लास्ट ईयर ऑल्सो इन डेटा एंड इंफॉर्मेशन. अब अगर हमें ये कंसेप्ट पे वापस आना है, दैट इज डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसमें का डेटा तो हमें समझ में आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस? तो ये डेटाबेस के मीनिंग को समझने के लिए आई विल क्लियर आउट विद दिस. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड विल मूव फॉर द कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस. स्टूडेंट्स, डेटाबेस क्या है ये जानते हैं. जैसे हमने अभी देखा है कि डेटाबेस क्या है, तो एक डेटा क्या है? एक अनप्रोसेस फॉर्म है. ओके, नाउ वी वॉन्ट टू नो कि बेस का मीनिंग क्या होता है. सो लेट मी टेल यू, द मीनिंग ऑफ बेस इज नन बट द स्टोरेज और प्लेटफॉर्म. ओके, अब अगर मुझे ये जानना है कि स्टोरेज या प्लेटफॉर्म में डेटाबेस कैसे वर्क करेगा, सो डेटाबेस क्या करता है? इट गिव्स प्लेटफॉर्म टू डेटा. किसके लिए? टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस. ओके, नाउ ये सारी चीजें जब एग्जीक्यूट हो रही है, तो डेटाबेस के साथ में आगे की टर्मिनोलॉजी क्या है? इट इज मैनेजमेंट. तो मूविंग अहेड फॉर मैनेजमेंट, अब अगर मुझे मैनेजमेंट जानना है, तो व्हाट मैनेजमेंट डील्स विद? इट डील्स विद वेरियस ऑपरेशंस. अब ये ऑपरेशंस कौन से हो सकते हैं? तो इंसर्शन ऑफ डेटा, देन डिलीशन, या फिर मॉडिफिकेशन, या फिर अपडेशन, या फिर मर्जिंग. There are n number of operations which you can perform on database. Okay? अब last example, last जो terminology जो हमें समझना है, that is system. So what is the meaning of system?
Whenever you would like to know about any system, you should know about IPO. क्या है IPO? So I stands for input, P for process and O for output. अब इसके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर चलो आप चाहते हो कि आपको जूस बनाना है, क्या बनाना है, तो आप जूस बनाना चाहते हो तो आपके लिए इनपुट रहेगा स्लाइसेस ऑफ एनी फ्रूट. उसके लिए प्रोसेस क्या करोगे आप, तो आपका जो फूड प्रोसेसर होगा या ग्राइंडर जूसर जो भी होगा उसे आप ऑन करोगे एंड आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा आपको जूस. सो सिंपली अगर ये आईपीओ साइकिल ही नहीं है या फिर इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन देन यू कैन नॉट गो फॉर एनी मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस और else you cannot execute any operations on database. So, अगर हमें DBMS को समझना है, if you want to know database management system, so what is the definition of database management system? समझ लो यहाँ पे, a system which manages क्या various operations. Management यानी क्या? To perform various operations. So, a system which manages various operations on what? On database is called database management system. फिर से एक बार ध्यान दो, a system which manages various operations on database is called database management system. Okay? So यहाँ पे से आपको अगर कोई points note down करना है तो note it down and then we will check with the definition again. So what is the definition of database management system? जैसे मैंने अभी बोला, a system, okay, which manages various operations on database is called, क्या आप long form लिख लीजिएगा, database management system. Okay, so this is the simple definition. Before that, आपको अगर इसके functioning पता है तो definition आपको याद करने की जरूरत नहीं. Simply from these words you can understand that a system which manages various operations on database is database management system. अब हमने last year जो example देखे थे उसके लिए हमने MSSS use किया था, तो अभी इस साल हमें क्या करना है, हमें use करना है LibreOffice Base. So here this LibreOffice Base we are going to use this year as your database management system application and as a platform. Now इसको आगे अगर लेके जाना है तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है. लास्ट ईयर जब हमने DBMS पढ़ा तो DBMS में सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो होती है जो हमने MSSS में भी यूज किया इज टेबल. अब सबसे पहले what is the meaning of table? What is the meaning of table? अगर मैं एक ऐसा कोई बॉक्स बनाती हूँ जिसमें मैंने ये 3 या 4 डिफरेंट लाइंस बनाए हैं, तो ये जो वर्टिकल है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम कॉलम बोलेंगे. और अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कुछ रोज फॉर्म कर रही हूँ, हॉरिजॉन्टल में कुछ लाइंस बना रही हूँ, सो दिस विल बी योर रोज. सो इट इज अ डेफिनेशन ऑफ टेबल नाउ. सो डेफिनेशन ऑफ टेबल, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम. Understood? फिर से एक बार देखो, what is the definition of table? It is a combination of rows and columns. Okay? Now this combination may be anything. जितने आपके rows है, 1, 2, 3 rows, 1, 2, 3, 4 columns. So this is a combination of table where 3 rows are there and 4 columns are there. So अभी हमें समझना क्या है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का टेबल के साथ में रिलेशनशिप कैसे रहेगा. अब ये रिलेशनशिप जब हमें समझना है उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. से एक एग्जांपल मैंने लिया स्टूडेंट के टेबल का, इसी टेबल पे हम लोग फोकस करते हैं. अब इस टेबल में मैंने सबसे पहले डाला है रोल नंबर. चलो रोल नंबर स्टूडेंट का लेती हूँ मैं 101102. दूसरा मैं टेबल पे एंटिटी फील्ड एड कर रही हूँ, दैट इज एस ए नेम. एस नेम इज स्टूडेंट नेम. मैं दूसरा लेती हूँ उसके बाद में क्लास, और उसके बाद में मैं लेती हूँ एड्रेस. अगर आप चाहते हो तो एड्रेस लो या फिर डेट ऑफ बर्थ लो, जो भी आप चाहते हो. नाउ यहाँ पे मैंने चलो सोनू मोनू यूज करते हैं हमारे. यहाँ पे मैं बोलती हूँ 12th आर्ट्स, यहाँ पे मैं 11th आर्ट्स, यहाँ पे मैं बोलती हूँ 12th आर्ट्स.
इसका कुछ तो भी डेट ऑफ बर्थ, इसका कुछ तो भी डेट ऑफ बर्थ. नाउ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में दिस ऑल आर कॉल्ड एज फील्ड्स. क्या किसको फील्ड्स बोला गया है? सो ऑल इंडिविजुअल सेल्स. इंडिविजुअल, अगर आप कोई एक बॉक्स को समझना चाहते हो, अगर कोई एक बॉक्स को हमने सिलेक्ट किया है, सो दिस इंडिविजुअल बॉक्स इज नन बट द सेल. एंड दीज सेल वैल्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फील्ड्स. नाउ अगर मुझे ये चेक करना है कि 101 रोल नंबर वाले स्टूडेंट का नाम क्या है, हाउ यू विल चेक? यू विल गो टू दिस टेबल. ओके, चलो मैं आपके लिए यहाँ पे ऐसा करती हूँ कि ऊपर का ये क्लीन कर देती हूँ, सो दैट आपको ये टेबल ही फोकस में रहेगा. ओके, अब ये जो रोल नंबर 101 है उसका नाम क्या है ये मैं जानना चाहती हूँ. तो हम लोग क्या करेंगे, ये रोल नंबर 101 के आगे में कौन सी वैल्यू दी है, कौन सी वैल्यू दी है? एस नेम, दैट इज स्टूडेंट नेम. तो 101 के स्टूडेंट नेम के कॉलम में कौन दिया है? सोनू. तो 101 स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 101 है उसका नाम क्या है? सोनू. ओके, उसका क्लास क्या है? 11th आर्ट्स. उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है? जो भी कुछ होगा. सो दिस आर नन बट These are the fields which are giving what? These are giving relationships. These are giving relationship with various fields, with various columns which are available. Now, अब ये जब relationship बता रहा है तो relationship form कैसे हो रहा है? Roll number 101 के student name जो है वो सोनू. सोनू का क्लास कौन सा है? तो 11th आर्ट्स. उसके डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो कुछ तो जो भी होगी, जो भी वैल्यू होगी. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एवरी टेबल इज इनटू द फॉर्म ऑफ RDBMS. व्हाट R स्टैंड्स फॉर? R स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप. कैसे? तो अभी आपने टेबल के एग्जांपल में देखा है. अब चलो इसके साथ में अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे एक नया कंसेप्ट रिकॉर्ड, कुछ नए वर्ड्स टपल, ये जानना है. What is the meaning of record? अब अगर मुझे ये पता करना है कि 102 जो रोल नंबर है, 102 रोल नंबर पे कोई तो एक स्टूडेंट है या फिर उसको एग्जाम में कितना मार्क्स मिला है, अगर आप ये चेक करना चाहते हो तो एक एग्जाम टेबल होगा. वो एग्जाम टेबल में कुछ सब्जेक्ट्स रहेंगे, उसके मार्क्स दिए जाएंगे जो इसके साथ में रिलेटेड रहेगा. ओके, नाउ 102 अगर मैं एग्जांपल में ले रही हूँ, तो 102 रोल नंबर जिसका है उसका नाम मोनू है, उसका 12th आर्ट्स क्लास है. अब ये एग्जांपल के लिए यहाँ से लेके, ध्यान दो, ये जो पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी, ये पूरी इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलेंगे रिकॉर्ड. कैसे? क्योंकि जो भी उसका रो है, दैट रो इज गिविंग एंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ रोल नंबर 102. ऐसा होगा क्या कि 102 की इंफॉर्मेशन कहीं ऊपर में या फिर कहीं नीचे में रहेगी क्या? नो. क्यों नहीं रहेगी? बिकॉज इट इज टेबल. टेबल में हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई कर रहे हैं, दैट इंफॉर्मेशन विल बी इनटू द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, एंड रोज गिव्स द रिलेशनशिप. ओके, सो इसका जो भी रिकॉर्ड रहेगा वो हमें हॉरिजॉन्टली मिलेगा. सो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ध्यान दो, ये क्या है? दीज आर सेल्स. मैंने बताया था दीज आर फील्ड्स. अभी अगर हमें रिकॉर्ड की डेफिनेशन देनी है तो क्या होगा? कलेक्शन ऑफ वेरियस, या फिर फील्ड्स बोलो या तो सेल्स बोलो, कलेक्शन ऑफ वेरियस सेल्स इन अ रो इज कॉल्ड रिकॉर्ड. समझा क्या? देखो ये 102 का पूरा रिकॉर्ड हमें यहां से पता चल रहा है फ्रॉम दिस रो. सो सिमिलरली व्हाट इज अ रिकॉर्ड? Record is a collection of various cells or fields in a row. Okay. Now, what is the meaning of tuple? Tuple को हम लोग बोलेंगे, ये एक tuple है. इसे ही fields बोलेंगे, इसे ही cell बोलेंगे. So, it is individual cell. अब मुझे इसके साथ में इसके आगे की terminologies देखना होगा अगर, तो क्या करेंगे? मुझे पता करने का है कि file क्या होता है. अब अगर ये टेबल किसका है, तो ये टेबल जो है वो स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन का है. ओके,
ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन वाला टेबल जो है इसको क्या मैं स्टूडेंट फाइल बोल सकती हूँ? यस, व्हाई नॉट। सो स्टूडेंट फाइल जो रहेगी वो क्या बताएगी? तो एक ऐसा टेबल जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, एड्रेस, उसका नेम, उसका क्लास, वो सारी इंफॉर्मेशन है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली फाइल? सो फाइल इज नन बट योर टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। बट इन टैबुलर रिप्रेजेंटेशन every row is called as record. So what is file? It is none but collection of records. Here also you can relate, dear students. एक simple सा flow अगर आप ध्यान में रखना चाहते हो तो मैं एक आपको example देती हूँ। सबसे पहले सबसे छोटा क्या रहेगा? Cell। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? Field। Collection of field। In a row को हम लोग बोलेंगे record। रिकॉर्ड के कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे फाइल, उसी को हम लोग टेबल बोल सकते हैं। अब अगर मैं फाइल को कलेक्ट करती हूँ, जैसे कि ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हो गई, वैसे ही दूसरी फाइल बन सकती है एग्जाम की, तीसरी फाइल बन सकती है कोई दूसरे टेबल की या दूसरे इंफॉर्मेशन की, लाइब्रेरी की बन सकती है। सो ऐसे वन फाइल ऑफ, पहला मैंने एग्जाम्पल बोला स्टूडेंट की इन्फो, दूसरा फाइल बनता है अगर मेरा कौन सा एग्जाम का, अगर तीसरा फाइल बनता है मेरा लाइब्रेरी का। सो ऐसे तीन डिफरेंट फाइल को अगर मैं कंबाइन करती हूँ तो क्या बनता है? तो बनता है आपका डेटाबेस। समझ में आ रहा है? नहीं तो देखो, फाइल मैंने क्या बोला, सेल्स के कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? फाइल। फाइल्स के कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? डेटाबेस। सो सबसे बड़ा कौन बन गया? तो सबसे बड़ा बन गया डेटाबेस। ओके, कलेक्शन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल, एंड कलेक्शन ऑफ फाइल्स इज कॉल्ड डेटाबेस। एंड व्हाट आर द ऑपरेशंस वी विल परफॉर्म ऑन दीज डेटाबेस? विल डील विद द मैनेजमेंट एंड द सिस्टम विच विल एग्जीक्यूट इट। इट विल बी अवर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो दिस इज व्हाट अबाउट द इंट्रोडक्शन and the concepts which are related and important for your database. We will proceed ahead with the new tables, what are the new queries, how we can execute all those queries, and how we need to check it with the LibreOffice best. So thank you, dear students. Moving ahead into the next lecture with a new video. Thank you.